स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है जो कैंडिडेट्स सीजीएल 2016 दिए थे उनके लिए कैट ऑर्डर आया है। तो वो देखिए 23 तारीख को, मतलब कल आया है ये ऑर्डर। बहुत अच्छा है उन लोग के लिए, जीत हुआ है। देखिए मैं बोलता हूँ ना, कभी भी अगर कुछ गलती होता है तो आप डेफिनेटली उसका रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उसके लिए लड़िए, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट कैट है आपके पास, ठीक है। गवर्नमेंट फी डिसीजन अपना चेंज करेगी ही करेगी, तो उसीलिए मैंने भी बोला था। देखिए आईबी के लिए हम लोग मास रिप्रेजेंटेशन दिए, तो उसी का देखिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली नतीजा अगर आए तो अच्छा है। लेकिन लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, हाल नहीं छोड़ना है। तो देखिए क्या है, कैट का ऑर्डर आया है जिसमें देखिए बताया गया है, जो आउट ऑफ जो आपका टोटल एग्ज़ाम दिए थे डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, वो सीजीएल 2016 अराउंड 33,053 कैंडिडेट्स ने दिया था। उसमें से क्या हुआ था, 484 कैंडिडेट का वो लोग आइदर वो मीडियम लिखना भूल गए थे, हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, वो मीडियम नहीं देने थे, उसीलिए उनका क्या क्या पूरा कैंसिल कर दिया गया था, उनको एलिजिबल ही नहीं। फिर वो लोग केस किए, केस करने के बाद कैट ने जो वर्डिक्ट दिया है देखिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए टोटल डिटेल्स वो पूरा सुना गया, क्या हुआ नहीं हुआ। करने के बाद कैट ने फाइनली जो वर्डिक्ट दिया गया है मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। देखिए फाइनली बोला गया है, द रिस्पॉन्डेंट्स आर डायरेक्टेड टू प्रोसेस द कैंडिडेचर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड डिक्लेयर देयर रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्योर मेरिट लिस्ट। इफ दे आर नॉट फाउंड इनएलिजिबल फॉर एनी अदर रीजन, द एप्रोसेट एक्सेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ अ सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, नो कॉस्ट, ठीक है। मतलब फिर से उन लोग का रिवैल्यू होगा, अगर वो लोग फिर से मेरिट में आते हैं, वो रिवैल्यू होने के बाद, वो मार्क्स ऐड करने के बाद उन लोग का अगर कट ऑफ क्लियर होता है तो उन लोग को डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा दोस्तों। तो ये हमेशा जीत होता है, आपको हार नहीं मानना है, आपको लड़ते रहना है। बहुत सारे आज के डेट में मीडियम है, सोशल मीडिया है, कैट है कुछ के लिए, तो आप डेफिनेटली हम लोग हार नहीं मानना है। तो ये देखिए प्रिपरेशन होता है, हार्ड वर्क होता है। जो बच्चे का कैंसिल कर दिया गया था, इतने सालों का मेहनत बर्बाद हो गया था, क्योंकि टायर 1 देते हैं, टायर 2 देते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव देते हैं, फिर बर्बाद हो जाता है। तो ये अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो चलिए, अच्छा लगा बहुत सुन के ये, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन देना था। तो हार्ड वर्क करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसी नोट के साथ आज के लिए फिर इतना ही। तो फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।